हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी आने वाली है वीडियो, किस पर? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मींस डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए हमने एग्रीगेट डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, एग्रीगेट सप्लाई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, कंजप्शन को पढ़ा है, सेविंग को पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट को पढ़ा है। तो आज उन सबको पढ़ने का जो रिजल्ट है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, चाहे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, जहां हमारे पास कोई भी टेंडेंसी नहीं है अपवर्ड जाने की और डाउनवर्ड जाने की, मीन्स बैलेंस है। तो बैलेंस किस चीज का? अब यहां पर इक्विलिब्रियम, जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, हमने देखा ज्यादातर इक्विलिब्रियम दो टाइप के निकलते हैं, दो तरीके से निकलते हैं। तो यहां पे भी जनरल इक्विलिब्रियम भी दो तरीके से निकलते हैं। कौन कौन सा दोनों तरीका है? सबसे पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, मीन्स जहां हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यूज करके। दूसरा है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, मीन्स देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड द सेकंड वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए थोड़ी सी खुशी की बात है कि हमें इन दोनों टॉपिक को अलग अलग नहीं पढ़ना, हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। जो हम मेहनत कर चुके हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंसेप्शन को पढ़ने में, वो जो हमने स्केड्यूल बनाया है, वो जो हमने डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं वही स्केड्यूल मैंने यहाँ सामने बना रखा है, वही डायग्राम मैंने यहाँ पे सामने बना रखा है। इसी स्केड्यूल के हेल्प से, इसी डायग्राम के हेल्प से हम दोनों तरीके का इक्विलिब्रियम, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हो या सेविंग इन्वेस्टमेंट हो, दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम हम तुरंत थोड़ी देर में निकाल लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझ जाएंगे। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि हम इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से निकालें, मीन्स हमें कहीं जाना है, जैसे हमने नेशनल इनकम निकाला था, नेशनल इनकम जो हम मेजरमेंट निकालते थे, चाहे हम प्रोडक्शन मेथड से निकालें, इनकम मेथड से निकालें या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें, हमें पता है कि वैल्यू सेम आती थी, आंसर सेम आता था। ऐसे ही यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम निकालें या सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम निकालें, वो निकलना उसी जगह, वही लेवल आएगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से भी, और वही लेवल आएगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट से ही। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। बहुत ही इजी टॉपिक है, हमने स्केड्यूल बना रखा है, हम स्केड्यूल में आराम से देख सकते हैं द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ऐसा पॉइंट जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो जाता है, वहां बन जाता है हमारा इक्विलिब्रियम। देखिए हम स्टार्ट करते हैं जीरो से, व्हेन आवर इनकम इज जीरो। आपको याद होगा क्योंकि कंजप्शन हमारा 50 था, इन्वेस्टमेंट हमारा 50 था, तो इन दोनों को ऐड करके जो एग्रीगेट डिमांड हमारी बन गई थी वो कितनी बनी थी? 100 बन गई थी। देखो फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई ये अलग अलग चीज नहीं है। मैंने लिखा अलग अलग हुआ है क्योंकि हमने स्केड्यूल में अलग अलग उसको बनाया था, ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है, इक्वल वैल्यू आती है। तो अब मैं एग्रीगेट सप्लाई को बोलूं या इनकम को बोलूं, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करें या इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करें, बात बिल्कुल बराबर है। तो हम देख सकते हैं जब हमारी इनकम जीरो है, इनकम जो हमारे जीरो है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई को टोटल करके कितना बन गया? 100 बन गया। इसका मतलब क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने आपको बताया था हमारी इनकम कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमने खा लिया, थोड़ा सा हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट हमारी एग्रीगेट डिमांड 100 बन गई। अब जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई है कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट तो कॉन्स्टेंट रहता है, तो हमने देखा है एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी हो गई है? 150 हो गई। अब ये पॉइंट देखो, हम आसानी से देख सकते हैं कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड 200 पे ही बराबर है। अब मैं दो मिनट में आपको बताऊं, देखो जी 200 पे दोनों बराबर हो गए, यहां पे इक्विलिब्रियम बन गया, खत्म कहानी, और 5 मिनट में वीडियो खत्म। ऐसा नहीं है, मैं आपको बारीकी से बताना चाहूंगा बेसिकली इक्विलिब्रियम बनता कैसे है, क्या होता है इकोनॉमी में, क्या चेंजेस होते हैं। आप देखिए, जब इनकम 100 है, इनकम 100 पे एग्रीगेट डिमांड 150 है, आप खुद सोचिए इकोनॉमी में क्या हुआ होगा। जब किसी भी चीज की इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है और इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्रोडक्शन, इसका मतलब प्रोडक्शन 100 हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड 150 हो रही है, तो होगा क्या? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अगले साल ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा,
प्रोड्यूसर अगले साल ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज भी है, हर चीज है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा रोजगारी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। तो आप तभी देखिएगा मैंने यहां पर लिखा हुआ है इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तीसरा बढ़ेगा। फिर से सोचिए जब इस लेवल पर इनकम हमारी 100 है, देखो बेटा ये बारीकी बात आपको बहुत आंसर्स में काम आने वाली है, बिल्कुल इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। जब हमारी इनकम 100 है, हमारी एग्रीगेट डिमांड 150 है, तो इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो मोटिवेट होंगे प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, उनको लग रहा है डिमांड ज्यादा हो रही है तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, आउटपुट ज्यादा करेंगे एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आउटपुट अगर हमें बढ़ाना है तो रोजगारी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हो क्या जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी लोगों की। तो इसका मतलब हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा। अब यहां पे देखते हैं हमने 100 से एग्रीगेट सप्लाई कह लो या इनकम कह लो कितने कर लिया, हमने 200 कर लिया। जब हमने 200 कर लिया तो ये एग्जैक्टली वो पॉइंट आ गया जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर है। इट मींस हमें एक क्वेश्चन का और आंसर मिल गया यहां पर इस इक्विलिब्रियम को पढ़ते समय कि जब इकोनॉमी में ऐसी कोई परिस्थिति हो कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही हो कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, सो व्हाट विल हैपन इन एन इकोनॉमी, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा, सैंपल लेवल में देखा होगा, 10 ईयर्स में देखा होगा, व्हाट हैपन्स इन एन इकोनॉमी इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इन द नेक्स्ट ईयर इन द फॉलोइंग ईयर देयर विल बी मोर प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। कब तक प्रोडक्शन ज्यादा होता रहेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होता रहेगा टिल इट बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जब तक वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए। तो देखो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैं चाहता था स्केड्यूल और भी बड़ा कर सकता था, और बड़ा करता था वीडियो और बड़ी होती थी, और बड़ी वीडियो हो जाती तो थोड़ी टेंडेंसी होती है बच्चों को कम देखने की, तो मेरा मकसद यह है कम से कम वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। तो है क्या कि इनकम बढ़ाता रहेगा जब तक वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर ना हो जाए। तो हम देखेंगे यहां हमारा बन गया, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर है, यहां बन गया हमारा इक्विलिब्रियम, आप देख सकते हैं। अब आपके पास डायग्राम है, अब इस डायग्राम में आपने देखा होगा कई सारे कर्व बने हुए हैं, सिर्फ आप फोकस करिएगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे, फिलहाल सिर्फ फोकस करिए। देखिए दिस इज एग्रीगेट डिमांड स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 100, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब इनकम हमारी 0 है तो एग्रीगेट डिमांड हमारा कितना है, 100 है, फिर 150 हो गया, 200 पर 200 हो गया, 300 250 हो गया, उसी आधार पे मैंने यहां पर ये पॉइंट बनाकर मैंने इसको शो कर रखा है, दिस इज अवर एग्रीगेट डिमांड। आई होप आपने बनाया भी होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, ये जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, 45 डिग्री एंगल क्यों बनाता है, बिकॉज देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई, दोनों है ही एक ही चीज, दोनों की बराबर फोर्स इक्वल लग रही है, तो जाहिर सी बात है वो बाइसेक्ट ही करेगा 90 डिग्री को, बिल्कुल बीच में से चीर देगा, दैट इज कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जिसको हम इनकम लाइन भी बोलते हैं, वाई भी लिखा हुआ है, और दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये देख सकते हैं दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों आपस में कहां मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में यहां मिल रहे हैं, ये देखिए इसको हमने लिख दिया ई बोले तो इक्विलिब्रियम। अब हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कितना निकला है, इस लाइन को हम नीचे कर दें, इस लाइन को हमने नीचे करा हमने देखा 200 इज द लेवल ऑफ इनकम वेयर एग्जैक्टली एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 200, हम देख सकते हैं स्केड्यूल में ये 200 इनकम आ रही है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो। देखो कितना सिंपल है, हमें आंसर भी मिल गया और व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमी इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, उसका भी आंसर मिल गया हमें और इक्विलिब्रियम भी मिल गया। अब मैं इसका उल्टा कर दूं अगर कि व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमी इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, देखो बेटा इक्विलिब्रियम यही खत्म हो गया। मैं साथ साथ में आपको क्यों ये वाला क्वेश्चन भी बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम इस यहां पे हमने डुबकी मारी है, हमने गंगा में डुबकी मारी है, तो हम अपने पड़ोसियों के नाम की भी, अपने परिवार के नाम की भी डुबकी मार लें तो हम बार बार थोड़ा आएंगे। तो हम जब यहां डुबकी मार रहे हैं तो हम आसपास की चीजें भी समझ जाएं। तो देखिए कि व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तब क्या होगा, आप परिस्थिति देखो, अगर यह परिस्थिति होगी या ये परिस्थिति होगी जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो आप खुद ही सोचिए इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करेंगे, हम बैक गियर मार देंगे। बैक गियर कैसे मारेंगे, आप इसके आधार से भी सोच सकते हैं और
थोड़ा सा जनरल हिसाब से भी सोच सकते हैं। अगर इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ केस है, अगर इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इफ देर इज मोर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, वॉट विल हैपन, प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो जाएंगे। जब प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे इकोनॉमी में, कि प्रोडक्शन अगले साल वो कम करेंगे। जब वो प्रोडक्शन अगले साल कम करेंगे, आउटपुट कम प्रोडक्शन करेंगे, तो आउटपुट कम प्रोडक्शन करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी, रोजगारी कम करनी पड़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट जब वो कम करेंगे तो इनकम कम हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं आजकल का दौर हो भी रहा है, जो हमारे यहाँ पैंडेमिक चल रहा है उस तरीके से प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि फैक्ट्रियां बंद है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, धीरे 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 रोजगारी कम हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है। तो इट मीन्स कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाता है, तो होता क्या है, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, और वो कब तक होता रहता है कम, टिल इट बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। सो हमें पॉइंट मिल गया, व्हाट हैपेंस इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड व्हाट हैपेंस इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो यही आप परिस्थिति देख सकते हैं, जहां पर दोनों आपस में बराबर है वहां बन गया हमारा इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज 200। अब इसी चीज को हम दूसरे अप्रोच से भी पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा अप्रोच क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखो बोर्ड में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है, मैं चाहता हूं इसी टॉपिक में आपको ज्यादातर सारी चीजें क्लियर हो जाए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, आप देखिए डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, स्केड्यूल आपके सामने बना हुआ है, आप देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में कहां बराबर है। जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 50 है, 100 पे भी 50 है, 200 पे भी 50 है। सेविंग्स देखते हैं, सेविंग्स जो हमने कैसे निकाली है, हमने लास्ट वीडियो में देखा है, हमने इनकम में से कंजप्शन माइनस करा है, क्योंकि होता क्या है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, मैंने आपको पहले भी बताया था, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो एस निकालने के लिए वाई में से सी माइनस करते रहेंगे, और माइनस कर करके हमने देखा जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारी सेविंग्स नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं सेविंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में डिटेल में चीज बताई हुई है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी सेविंग्स बढ़ रही है, मगर ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है, बिल्कुल 50-50 है। अब आप देख सकते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में जब बराबर है वो वही लेवल है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी बराबर है, बहुत ईजी है, और ये वही लेवल है जहां इनकम लेवल कितना है 200। अब आप डायग्राम के जरिए देख सकते हैं, देखिए कि सेविंग स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव, ये सेविंग वाला कर्व है, सिर्फ अब हम देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, दिस इज सेविंग एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट। देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में कहां टकरा रहे हैं, ये इसको भी हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी यहां पर 200 आ रही है, उस वाले से भी 200 आ रही थी और इस वाले से भी 200 आ रही है, स्केड्यूल में भी दोनों जब बराबर थे 200 आ रही थी, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है तो 200 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ने रास्ता थोड़ा सा अलग अलग लिया है मगर मंजिलें सेम है, दोनों का लेवल सेम आएगा, और देखा जाए तो रास्ता ज्यादा अलग अलग भी नहीं है, ये लग हमें रहा है रास्ता अलग अलग नहीं है। अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू पढ़े या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू पढ़े, ये कुछ अलग नहीं है, ये एक ही बात है। कैसे एक ही बात है, आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया होगा, यहां पर चाहे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट से निकालें या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से निकालें, आप देखिएगा इधर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई जहां बनता है हमारा इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड की जगह हम सी प्लस आई लिख सकते हैं, हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई की जगह हम सी प्लस एस लिख सकते हैं। आप देखिए दोनों जगह सी आ रहा है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आप देखिए जब सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो आ क्या जाएगा, आई इक्वल टू एस। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है, सिर्फ कंजप्शन का फर्क है, उन दोनों में सेम वैल्यू कंजप्शन की ऐड हो रही है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कंजप्शन की वैल्यू माइनस हो रही है, तो आना तो बिल्कुल सेम ही है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है और ज्यादा टिपिकल समझाने वाली बात ही नहीं है, बात यह है कि है तो आना भी आंसर बिल्कुल सेम है, मगर अलग अलग अप्रोच होती है, तो किस तरीके से हम अलग अलग अप्रोच पढ़ सकते हैं वो हमने आपको बता दिया है। तो हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम दोनों से ही 200 निकल रहा है, दैट इज ऑल इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखो इसी स्केड्यूल में हम आपको बताएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पर हमारी सेविंग्स जीरो होती है, जहां पर जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम खा रहे हैं,
यहाँ खाने वाला कौन सा है, यहाँ खर्चा कौन सा है, दैट इज खाने वाला खर्चा इज सी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर होती है, मैं आपको जब मैं आपके इसको डिटेल में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली होता क्या है। हम देख सकते हैं स्केड्यूल के जरिए, जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारा कंजप्शन इज 50। ये क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था चाहे हमारी इनकम कितनी भी हो मगर हमारा खर्चा जीरो से स्टार्ट नहीं होता, चाहे हमारी इनकम जीरो हो या ना हो। एज आवर इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट वी नो द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। कंजप्शन हमेशा कम स्पीड से भागता है और इनकम हमेशा ज्यादा स्पीड से भागती है। और इनकम जब पीछे से स्टार्ट हो रही होती है और कंजप्शन आगे से स्टार्ट हो रहा होता है, इनकम भागती तेज है और कंजप्शन को एक टाइम पे वो पकड़ लेती है। जब वो पकड़ लेती है, आप देखिए, जब इनकम 100 बढ़ रही है और कंजप्शन 50 बढ़ रहा है, ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां पर हम जितना कमा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं। That is, income is 100 and consumption is also 100. जहां पर हमारी सेविंग कितनी होगी? Exactly zero. ये वो पॉइंट है जहां पर हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। Mean break even the point where saving is equal to zero, या where the part of income is equal to the part of consumption. The amount of income is equal to the amount of consumption. जहां हम जितना खा रहे हैं जितना कमा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। तो हमें पता लग गया ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा पॉइंट है जहां पर हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, इक्विलिब्रियम भी दो तरीके से निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी दो तरीके से निकलता है, जहां पर y इज इक्वल टू c है या s इक्वल टू 0 है। अब देखो दोनों एक ही तो चीज है। जब y इक्वल टू c होगा तो s तो 0 होगा ही होगा। जब s 0 होगा तभी तो y इक्वल टू c होगा, क्योंकि y इक्वल टू c प्लस s, y equal to c plus s. When s is 0, c plus 0. C plus 0 means c. So when savings will be 0, then only y will be equal to c. Simple सा concept है। तो ये हो गया हमारा break even point। हमने schedule के जरिए देखा। अब हम diagram से देख सकते हैं। देखिए, दोनों focus से देखिए आप। सबसे पहले आप y equal to c देखिए। y क्या है? Y means aggregate supply। जो 45 degree angle बना रहा है, that is y। ये aggregate supply है। Aggregate supply। ये y है हमारा और हमारा c, c कौन सा है हमारा, आप देख सकते हैं c ये पॉइंट है जो 50 से स्टार्ट हो रहा है, c दिस इज 50। y इक्वल टू c कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां पर हमने इसका नाम लिख दिया m, हमने पॉइंट लिख दिया इसको m। हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे लेवल ऑफ इनकम हमारी कितनी है, लेवल ऑफ इनकम हमारी है 0। लेवल ऑफ इनकम हमारी कितनी है 100। मींस ये 100 लेवल ऑफ इनकम है जहां पर हमारा y इक्वल टू कितना है, सी है। आप देख सकते हैं ये 100 पे ही आया है जहां y इक्वल टू c 100। इट मींस ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और दूसरा अप्रोच से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, जहां सेविंग जीरो है। आप देखिए सेविंग जीरो कहां है, स्टार्टिंग फ्रॉम -50 और यहां पर आके सेविंग जीरो हो रही है। इट मींस सेविंग के रास्ते भी और कंजप्शन वाले रास्ते भी हम देख सकते हैं, इट इज द लेवल ऑफ 100, इट इज द लेवल ऑफ इनकम विच इज 100, जहां एक्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इक्वल टू जीरो भी उस तरीके से निकल रहा है और वाई इक्वल टू सी भी उसी तरीके से निकल रहा है। इट मींस हमने यहां पर देख लिया 200 इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल एंड 100 इज द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारा राज इस चार्ट में छुपा हुआ है। आगे आने वाले हम 5-6 टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ऐसे टॉपिक है जो हमारे आगे जाके बहुत यूज होते हैं, कंपटीशन लेवल पे भी यूज होते हैं। सारा चीज हम इसी स्केड्यूल के जरिए पढ़ेंगे, इसी स्केड्यूल में बहुत राज है, इसी स्केड्यूल में कहते हैं पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। तो बहुत ही गहराई है स्केड्यूल में और बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं। आगे जाके हम मल्टीप्लायर इससे निकालेंगे, आगे जाके हम एपीसी निकालेंगे, एपीएस निकालेंगे, एमपीसी निकालेंगे, एमपीएस निकालेंगे, कंजप्शन फंक्शन भी इसी लाइन से पढ़ेंगे, इसी स्केड्यूल से पढ़ेंगे, सेविंग फंक्शन भी इसी स्केड्यूल से पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है। आई होप आपको स्केड्यूल आराम से समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा और ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने सोचा होगा ये अगर एग्जाम में आ गया तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा। बहुत टफ तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम में या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच आएगा, पहली वाली अप्रोच जो मैंने बताया था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली अप्रोच, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच आएगी। दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आएगा या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच आएगा, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमें टुकड़ों में बनाना है, इसको हमें सारा, अब सारा एग्जैक्टली नहीं बनाना। अब आप कहोगे आपने सारा एग्जैक्टली क्यों बना लिया, अगर मैं सारा एग्जैक्टली नहीं बनाता तो आपको यह नहीं पता लगता एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहां पर बराबर है वहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होता है। जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट y इक्वल टू c है वहीं सेविंग भी जीरो बराबर होता है। तो ये हमें रिलेशन जानना बहुत जरूरी है, अगर हमें उसको बेसिक कंसेप्ट सीखना है तो।
आई होप ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप एक बार स्केड्यूल बनाएंगे, स्केड्यूल तो आपने बनाया भी हुआ है लास्ट वीडियो के हिसाब से, बहुत बच्चों ने मुझे भेजा हुआ है, आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा क्या एग्जैक्टली हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से बिल्कुल सेम लेवल आ रहा है इक्विलिब्रियम का, क्या ब्रेक इवन पॉइंट वाई इक्वल टू सी और एस इक्वल टू जीरो सेम लेवल आ रहा है, बिल्कुल सेम लेवल आ रहा है, तो इसका मतलब आप उस चीज को सीख चुके हैं समझ चुके हैं। एक दो बार जरूर बनाइएगा स्केड्यूल में, सोचिए थोड़ा कोशिश करिए, ऐसी वैल्यू लीजिए जो मैंने वैल्यू नहीं ली रखी, आप अपनी वैल्यूज लिखिए, और ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है वो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमी इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एंड व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमी इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, और बहुत कोशिश करिए मैंने कि इसी तरीके से आपको समझाया, ज़्यादा टफ तरीके से, ज़्यादा वैसे टर्म्स यूज नहीं करें जो आपको थोड़ा टफ लगे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, थैंक यू।